प्रवासी भारतीय सम्मेलन बोले पीएम मोदी, वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज़ सुनी जा रही। आज भारत के पास नॉलेज सेंटर के साथ स्किल कैपिटल बनने का है अवसर। बिहार में आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल का नीतीश पर हमला, भ्रष्टाचार किसान के मुद्दों पर घेरा। एमसीडी हाउस हिंसा में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामले में बाघ मारा, एमएलए ढुल्लू महतो का सरेंडर, जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करने का दिया आदेश। गुयाना के राष्ट्रपति बोले, कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को राह दिखाई। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, घने कोहरे के कारण नहीं दिखी कार, दो बच्चे समेत चार लोग जख्मी। पटना पीएफआई मामले में एनआईए ने चार आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। उत्तराखंड में ठंड को देखते हुए 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश। बम्बई हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक को दी जमानत, सीबीआई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख। कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली में लैंड होने वाली 3 फ्लाइट जयपुर की तरफ डाइवर्ट। यूपी पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी। इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेज और कैप्टन से मारपीट, शराब के नशे में छेड़छाड़, 2 अरेस्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की बात, अफवाह निकली, रेलवे ने किया दावा। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की कम से कम 30 उड़ानें प्रभावित।